बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स के ऊपर हम नाइन्थ की फिज़िक्स को डिस्कस कर रहे हैं। वर्क, एनर्जी और पावर का जो चैप्टर है, ज़ेरे बहस है, उस पर गुफ्तगू जारी है और ये हमारी इस चैप्टर में इंशाल्लाह आखिरी वीडियो होगी, आखिरी लेक्चर होगा। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको यकजा कर रहा हूँ, बजाय इसके कि दोनों के ऊपर छोटी छोटी दो वीडियोस बना दी जाएं, तो एक ही मैं उसको कवर कर रहा हूं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एफिशिएंसी। स्टूडेंट, एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को और ये जो अगला कॉन्सेप्ट होगा पावर का, वो भी इसके साथ रिलेटेड होगा। अब कैसे रिलेटेड होगा उस पर अभी एक पहली जो एग्ज़ाम्पल मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो ही दोनों को क्लियर कर देगी। आपने देखा होगा कि आमतौर पर जब हम मोटरसाइकिल या बाइक्स की सिलेक्शन में इंटरेस्टेड होते हैं तो जो ज़्यादातर मेजॉरिटी की चॉइस है वो आजकल बड़ा कॉमनली अवेलेबल 70 सीसी बाइक है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के आते हैं, लेकिन अगर 70 सीसी बाइक्स, जिसको CD70 और HS70 वगैरह वगैरह के मुख्तलिफ नामों से, लेकिन अगर आप देखेंगे तो छोटा सा 70 लिखा होता है। अब आप उनसे पूछिए कि जी ये इसमें क्या कमाल है, तो वो आपको कहते हैं कि जी ये 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 70 किलोमीटर कर लेता है। वो बाकी पैरामीटर्स को मैं इग्नोर कर देता हूँ, अगर एक जैसा रोड, एक जैसे सारे पैरामीटर, सारे एक जैसे कर दिए जाएं, तो ये 70 किलोमीटर हम कहते हैं बहुत ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यानी 1 लीटर पेट्रोल हम डलवा लें तो 1 लीटर में ये हमें 70 किलोमीटर ले जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो हम कहते हैं कि फिर अच्छा एक दूसरी टाइप है, वो कौन से हैं जी? वो 125 सीसी के हैं या जिनको 125 कहते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के आते हैं। अब 125 कितना जाता है जी? बहुत भी अच्छा कर ले तो ये 40 तक चला जाएगा, 50 तक चला जाएगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, शायद इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाए, लेकिन 125 सीसी जिसको 125 कहा जाता है, ये डेफिनेटली इसका जो पेट्रोल इकोनॉमी है या कंजम्पशन है वो 70 सीसी जैसी नहीं हो सकती, दिस इज़ फॉर श्योर। तो हम कहते हैं यार मैं 70 किलोमीटर जाता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम ये करता हूँ कि जो 125 है ये 35 किलोमीटर कर रहा है और ये जो CD70 है ये 70 किलोमीटर कर रहा है। अब बात बड़ी सादा सी हो जाती है कि हम कहते हैं यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि CD70 जो है ये हमें 1 लीटर में 70 किलोमीटर लेके जाता है। अब हम पेट्रोल दोनों को सेम दे रहे हैं, यानी वो जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो दोनों बाइक्स के लिए सेम है, लेकिन एक बाइक हमें 70 किलोमीटर का रिटर्न दे रही है, दूसरी बाइक हमें 35 का। और ये आप समझ रहे होंगे कि 35 मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, कि ये उसका बिल्कुल आधा है, 35 नहीं होता, बहुत पुअर कंडीशन में हो तो भी 35 तक इसको नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग फ्यू थिंग्स। सो एफिशिएंसी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। अब मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि आउटपुट और इनपुट से क्या मुराद है। एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, मैं सिंबल बना देता हूं, परसेंट भी आप लिख सकते हैं परसेंटेज। अब आउटपुट क्या चीज होती है? वर्क डन बाय अ मशीन। मेरा बाइक मुझे 70 किलोमीटर दूर ले गया, मेरा वेट था, फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, उसने वर्क किया, ये था। इनपुट क्या है? वर्क डन ऑन द मशीन। अब मशीन के ऊपर, या हम अब आप कहेंगे कि जी हमने उसके ऊपर कौन सा काम किया, तो काम तो हमने उस पर भी किया, पेट्रोल जब हमने डलवाया तो हमें कुछ काम करना पड़ा। एनीवे हमने यहाँ पे अगर हम कहेंगे तो हमने इसको कितनी एनर्जी दी, इसको हम यूं भी लिखते हैं, एनर्जी
गिवन टू मशीन, यानी हमने मशीन को कितनी एनर्जी प्रोवाइड की। तो अब एफिशिएंसी हमारे पास बन जाता है आउटपुट ओवर इनपुट, और चूंकि हमने कहा कि इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो आप 100 से ज़रब दे दीजिए। अब आउटपुट भी एनर्जी है यानी वर्क है, इनपुट भी एनर्जी है यानी वर्क है, हमने कहा वर्क डन। और जब आप बाइसिकल चला रहे होते हैं तो एक्चुअली आप पैडलिंग जब कर रहे हैं तो आप भी वर्क कर रहे हैं, और उसके नतीजे में वो साइकिल भी आपको लेके जा रही है। तो कुछ काम, कुछ वर्क आप कर रहे हैं, मशीन भी आपके लिए कुछ वर्क कर रही है जो आपको लेके जा रही है। तो इस लिहाज से आउटपुट और इनपुट दोनों बड़े क्लियर हो जाते हैं। अब चूंकि दोनों ही एनर्जीज हैं तो आपको पता है कि रेशो का यूनिट कोई नहीं होता, सो इनपुट और आउटपुट इंटू 100 ये हमें दे देता है एफिशिएंसी। अब हम अपनी एग्जांपल को जो है तो चले जाते हैं। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी एग्जांपल, मैंने आपसे कहा था कि CD70 है वो मुझे 70 किलोमीटर लेके जा रहा है 1 लीटर पेट्रोल में, और हमने एक 1:5 को एज्यूम किया या कोई भी एक बाइक। मैं हो सकता है बाज़ स्टूडेंट्स सोचें कि ऐसा तो कोई भी 1:5 नहीं है कि जो सिर्फ 35 किलोमीटर चले, लेट्स एज्यूम कि कोई और बाइक है जो कि 1 लीटर पेट्रोल में मुझे 35 किलोमीटर लेके जा रहा है। तो अब आप देखिए सीरी 70 की जो आउटपुट है वो 70 के लिहाज से मैं जो मतलब 1 लीटर मुझे 70 किलोमीटर दे रहा है, दूसरा मुझे वही इनपुट है लेकिन उसके आउटपुट डिफरेंट है वो 35 दे रहा है। तो अब हम कहेंगे कि ये जो CD70 है इसकी एफिशिएंसी 2 times है, यानी डबल है, 2 times मीन डबल है। तो CD70 की एफिशिएंसी हमारे पास डबल है एज कंपेयर टू दैट अदर ब्रांड व्हिच इज़ गिविंग जस्ट 35 किलोमीटर इन 1 लीटर। आई होप एफिशिएंसी विल बी क्लियर नाउ। हेयर कम्स अनदर कॉन्सेप्ट, एट दैट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये CD70 इतना अच्छा बाइक है तो फिर सारे लोग CD70 ही क्यों नहीं ले लेते हैं, वाई डू दे गो फॉर 1:5 और 150cc और 200cc और 250 या शायद उससे भी ज़्यादा। अब उससे ऊपर जब आप जाते जाएं, 150 से ऊपर जाते जाएं तो वो ज़्यादा एडवेंचरिज्म की तरफ आ जाता है, उसके वो इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं रहता, हम साइंटिफिक उसके फैक्टर्स की बात करेंगे। अब ये जो दूसरी किस्म के बाइक्स हैं लाइक 1:5 जिसका हमने कहा कि ये जो 125cc है ये मुझे 35 किलोमीटर दे रहा है, तो फिर आखिर मैं इसको यूज़ क्यों कर रहा हूँ। यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि ये जिस रफ्तार से वर्क करता है, यानी अभी CD70 वाला शायद पहला गियर से दूसरे में भी नहीं गया होगा, और या उसकी रफ्तार जो है वो 0 से 30 तक भी नहीं गई होगी, और उसी दौरान ये जो दूसरी बाइक है जो 125cc है ये शायद 70 और 80 और 90 के ऊपर भी जा चुकी होगी। तो हम यहाँ पे जो देखते हैं कि वर्क तो दोनों ही कर रहे हैं, दोनों मुझे 70 किलोमीटर लेके जा रहे हैं, CD70 भी लेके जा रहा है, 1:5 भी लेके जा रहा है, एक पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है एक पेट्रोल कम कंज्यूम कर रहा है, लेकिन एक कम वक्त में ले जा रहा है एक ज़्यादा वक्त में ले जा रहा है। तो अब पावर हमारे पास है टाइम रेट, कभी कभी हम सिर्फ रेट भी लिखते हैं, ऑफ डूइंग वर्क। इसको हम थोड़ा सा एक मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करते हैं लेकिन वो मैं बाद में करूँगा। पावर को हम डिनोट करते हैं पी से, और वर्क डिवाइडेड बाय टाइम या टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, नेचुरली यू नो इट्स जोल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, इट्स सेकेंड। पावर का जो यूनिट है वो है वाट, नेम आफ्टर जेम्स वाट। 1 वाट इफ 1 जाउल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड देन। अब फर्क हमें पता चला कि CD70 की पावर कम है, 1:5 की पावर ज़्यादा है, 150cc की उससे ज़्यादा होगी, 200cc की उससे ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है पावर का। अब इसको हम थोड़ा सा और तरीकों से भी, आपने देखा होगा कि बल्बों के ऊपर जो बल्ब्स होते हैं, ट्यूबलाइट हैं, LEDs हैं, मशीन्स हैं, उनके ऊपर भी लिखा होता है। आमतौर पर जो वाइट लाइट देने वाला बल्ब है उसके ऊपर 100 वाट लिखा होता है,
फिर अगर आप इनर्जी ट्यूब लाइट्स को रिकॉल करें तो 40 वाट्स की होती थी, 38 to 40 वाट्स आती थी। फिर उसके बाद हम फिर गए तो हमारे पास एनर्जी सेवर आ गए जो आम तौर पर 25 वाट के लगभग होते थे। अभी हमारे पास LEDs आ गए हैं जो तकरीबन 10, 12 इवन आधे वाट के भी हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो कोई साइकिल नहीं है, वो तो कोई पेट्रोल नहीं है। अब हो ये रहा है कि वो भी हमें एनर्जी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हुए हम उनको क्या दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमें कर रहे हैं लाइट एनर्जी। सो दे आर एक्चुअली दे आर कंज्यूमिंग एनर्जी। सो हम पावर को ये भी डिफाइन करते हैं द टाइम रेट ऑफ यूज या कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर, कि कोई जो डिवाइस है कितनी तेजी से एनर्जी कंज्यूम करता है। और यहां कंज्यूम से मुराद ये है कि हमारी डिजायर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। जब हम बल्ब को रिकॉल करते हैं तो बल्ब से जो हमें, यानी बल्ब को हमने दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्ब हमें दो एनर्जीज पर्टिकुलर देता था। एक तो थी लाइट जिसके लिए हम बल्ब लगाते थे, लेकिन इसके साथ वो बहुत बड़ी मिकदार में हमें हीट एनर्जी भी देता था। तो आम तौर पर बल्ब जो थे 100 वाट के होते थे और हार्ड यूज़ की जो लाइट होती थी इतनी होती थी कि आप कमरे में अच्छे तरीके से काम कर सकें। उसके बाद हम आए ट्यूब लाइट के ऊपर। अब अगर आप ट्यूब लाइट को कॉल करें तो लाइट तो उसकी बड़ी अच्छी होती थी, लेकिन हीट उसके साथ बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू बल्ब। सो ट्यूब लाइट, यही वजह थी कि चूंकि उसमें हीट का फैक्टर कम हो गया था तो हमने कहा कि अब ये जो है हमें उसकी बनिस्बत हमारे लिए बेहतर पड़ा। देन वी केम टू LED या सॉरी एनर्जी सेवर। और अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज में है वो LED, विच स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। LED बड़ा कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सारे जो हम पावर के देख रहे हैं तो इन सब का काम यही है कि ये कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारी डिज़ायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। बस जस्ट 2 more minutes एंड देन वी आर क्लोजिंग। मैकेनिकल एनर्जी का जब कॉन्सेप्ट आता है तो आम तौर पर हम वाट के कॉन्सेप्ट को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। वहाँ पर हम पुराना एक कॉन्सेप्ट है हॉर्स पावर को कंसिडर करते हैं। आपने देखा होगा अगर आप वाटर पंप्स लेने जाएं तो वो जो दुकान वाला है, दुकानदार, वो शॉपकीपर आपसे पूछेगा आपको जी कितने हॉर्स पावर का चाहिए। तो जिनको ये कॉन्ट्रैक्टर्स या इंजीनियर वो तो वाकिफ़ होते हैं, वो घर को देखकर वो कहते हैं जी 1 horsepower, 2 horsepower। अब जो बड़े बड़े पूरी कॉलोनीज़ के लिए जो ट्यूब वेल्स लगाए जाते हैं वो आम तौर पर 10 से लेकर 15 हार्स पावर के होते हैं, लेकिन नेचुरली अब एक घर के लिए तो इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो क्वार्टर हार्स पावर या हार्फ आधा हार्स पावर जो है वो सफिशेंट होता है। नाउ व्हाट इज़ 1 horsepower? सो 746 वाट इज इक्वल टू 1 horsepower। ये हमारे पास मशीन्स के अंदर ज़्यादा मुस्तमल, ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, ज़्यादा कॉमनली एक्सप्रेस आधे हार्स पावर की मोटर जो है ये होती है। इसके ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग किस्म के इसके एस्पेक्ट हैं। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से इसको देखें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि लेट सपोज़ अगर आप अपने घर के लिए एक वाटर पम्प लेना चाह रहे हैं, एक मोटर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आपका घर कितनी बुलंदी तक है या उसके ऊपर जो वाटर स्टोरेज है, वाटर टैंक है, वो कितना ऊंचा है, आप उसको कितनी देर में भरना चाहते हैं, आपके घर बिजली किस कितनी आ रही है, आपको कितना पावर की मोटर जो है आपको अलाउड है, आप उस पर लगा सकते हैं। सो यू कैन कैलकुलेट। और ये वो सारी चीज़ें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को एड्रेस करती हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एज वेल एज़ यूनिट। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाता है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अपने व्यूज़ हमें ज़रूर शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस शेयर कीजिए, और अगर कोई सजेशन हो इम्प्रूवमेंट के लिए तो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।